तो गाइस कोई यार इंट्रो बना के दे सकता है तो दे दे इस चैनल के लिए जिसका नाम है 10x इंसान। तो गाइस इस चैनल के लिए अच्छा से कोई इंट्रो बना सकता है तो प्लीज़ बना के मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना, मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर के बारे में, मतलब इंडिया सर्वर में साथ कितना भेदभाव होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमंड्स की, उसके बाद हम लोकेश गेमर वर्सेस डायलन प्रो के, मतलब हर बार लोकेश गेमर क्यों हार जाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे मतलब फीफा इंडिया सर्वर से कितना कमा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट्स की प्लस समर दूसरी भी बात करेंगे। ओके गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। ओके, वीडियो को जितना हो सके इतना दबा के शेयर करना। तो चलिए अब बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंडिया में हमको मतलब डायमंड की प्राइस है जो मतलब 50 डायमंड है वो 40 रुपये में आएंगे, और जहाँ पे इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में 50 डायमंड मतलब 0.12 पैसे में आएंगे। ओके, तो वहाँ पे मतलब इंडोनेशिया के में अगर आपको 2000 डायमंड बाय करने तो मतलब आपको 2 से 3 रुपए के बीच में मतलब आप खरीद सकते हैं वहाँ पे 2000 डायमंड। तो यहाँ पे आपको मतलब डिफरेंस भी पता चल गया, मतलब 2 से 3 हज़ार डायमंड मतलब आप 2 या 3 रुपए में खरीद सकते हैं इंडोनेशिया में। तो मतलब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा यही डिफरेंस है डायमंड्स में, डायमंड्स की प्राइस को लेकर। तो यहाँ पे मतलब प्राइस इंडिया में बंदे कहते लगे रहते हैं कि लोकेश गेमर हार गए, लोकेश गेमर हमारे इंडिया से हार गए बैजिस में। तो गाइस लोकेश गेमर जितने पैसे लगा था उतने पैसे अगर वो इंडोनेशिया में जाके लगा था उस सर्वर में, तो गाइस उस पूरे इंडोनेशिया के मतलब जितने बैजिस नहीं होते जितने लोकेश गेमर के होते उतने, समझ रहे हो। तो गाइस यही मतलब डिफरेंस है, इसलिए हर बार वो डायलन जो हमारे हम उसको काल्या बोलेंगे तो हर बार वो मोटा मतलब हर बार वो डायलन प्रो जीत जाता है, मतलब समझ रहे हो आप। तो यही डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो लोकेश गेमर वॉल भी मतलब आगे मतलब अगर यहाँ पे इस मतलब इस मंथ मेरे ख्याल से 50 लाख मतलब 50 लाख रुपए का डायमंड खरीदने वाला है, अगर वही 50 लाख रुपए का डायमंड वो मतलब इंडोनेशिया में जाके इंडोनेशिया के सर्वर में मतलब खरीदे तो वो बस मतलब हिस्ट्री हो सकती है गाइस। तो वह हिस्ट्री की बात हम स्पाइप पे करेंगे, नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। ओके, कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारे उसके बाद आ जाते हैं हमारे इवेंट्स को लेकर। तो मतलब एंजेलिक पेंट या ऐसा कोई इवेंट समय जो हमें मतलब पाकिस्तान सर्वर में भी एंजेलिक पेंट, तो गाइस पाकिस्तान सर्वर में भी मतलब एंजेलिक पेंट का इवेंट दिया गया जो कि हमारे इंडिया में मेल बंडल में एंजेलिक पेंट अभी तक आया नहीं है, मतलब समझ रहे हो गाइस इतना नाइंसाफी। अगर बाहर के किसी भी बंदे को मतलब एंजेलिक पेंट वहाँ पे रेयर नहीं माना जाता, और वहाँ पे अभी रेड मतलब रेड आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वैसा रेड एंजेलिक पेंट भी आया, और यहाँ हमारे इंडिया में अभी तक एंजेलिक पेंट आया नहीं है किसी भी इवेंट में। एंजेलिक पेंट के साथ उसका मतलब पूरा कॉस्ट्यूम भी है और मतलब उसका ग्लूअल भी है, वो भी अभी तक हमारे इंडिया में आया नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मतलब गैरिन हमारे मतलब हमारे इंडिया सर्वर में कितना आप डिफरेंस देख सकते हो आप, जस्टिस फॉर हैशटैग जस्टिस फॉर इंडिया सर्वर से अच्छा तो हमारे इंडिया सर्वर नहीं कह सकते। मतलब पाकिस्तान का सर्वर में भी इंक्लूबेटर भी रिटर्न आ चुका है, क्रिमिनल भी रिटर्न आ चुका है, ब्राज़ील के सर्वर में आ चुका है, पाकिस्तान ब्राज़ील रशिया यूरोप वैसे सर्वर में मतलब भाई इंक्लूबेटर ग्रीन क्रिमिनल या कुछ भी क्रिमिनल वाला बंडर वो भी इंक्लूबेटर में आ चुका है वापस। तो कैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में पता है आपको मतलब सिंगल आपके पास मतलब क्रिमिनल है फिर भी आप मतलब 15,000 में अपना आईडी सेल कर सकते हो, आईडी सेल करना गलत बात है लेकिन जस्ट वैल्यू बता रहा हूँ। ओके, तो कैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैरी ना पैसा कमाते हैं वो इंडियन सर्वर से, मतलब इंडियन सर्वर में सबसे डायमंड्स की प्राइस भी हाई है, मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ पे मतलब कितना कमाता है मतलब हमारे इंडिया सर्वर से, सर्वर से गैरी ना कितना कमाता है या मतलब सबसे टॉप कंट्री में सबसे पहले भी इनकम होती है तो इंडियन सर्वर से वो भी गैरी ना को फ्री फायर।